टोक्यो में होने वाले ओलंपिक में शामिल होने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और उनका हौसला अफजाई किया। खिलाड़ियों से सीधी बातचीत का प्रसारण रीजनल स्टेडियम में भी किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी ए के पांडे सहित अन्य खिलाड़ी भी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खिलाड़ी जापान में जमकर खेले। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि अपेक्षाओं के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं है। पीएम ने जिन खिलाड़ियों से बात की उनमें एमसी मैरीकॉम, सानिया मिर्जा, दीपिका कुमारी और प्रवीण जाधव के अलावा भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जैसे नाम शामिल थे। इनके अलावा दुती चंद, आशीष कुमार, पीवी सिंधु, एलावेनिल क्लारिवन, सौरभ चौधरी, शरद कमल, मनिका बत्रा, विनेश फोगट, साजन प्रकाश और मनप्रीत सिंह शामिल थे। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने मंगलवार को कहा कि भारत 119 खिलाड़ियों सहित टोक्यो ओलंपिक के लिए 288 सदस्यीय दल भेजेगा। 17 जुलाई को भारतीय एथलीटों का पहला जत्था टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने के लिए रवाना होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी ए के पांडे ने कहा, 20 किलोमीटर वॉक के अंदर वो क्वालिफाई करी है पहली लड़की जो पार्टिसिपेट करने जाए। मेडल ओलंपिक में किस खेल में जीते हैं? एक ही बच्चा, बोलो बेटा, हॉकी। वेरी गुड, जोरदार तालियां लड़के के लिए, बहुत बढ़िया। के अंदर उसने ब्रॉन्ज मेडल लिया था, पहली, सबसे पहली महिला जो कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट करी और वो मेडल लेकर आई। मैं जा रहे हैं हमारे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने, उनका मार्गदर्शन करने और आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिसके बलबूते हमारे यहाँ प्रतिभावान प्लेयर्स टोक्यो ओलंपिक्स में देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। आपकी खेल के प्रति अभिरुचि, खेलों को बढ़ावा देने की आपकी कार्यशैली, आपके द्वारा खिलाड़ियों को दिया गया प्रोत्साहन हमेशा सराहनीय और प्रेरणादायक रहा। हार और जीत में पलक झपकने पर की देर होती है, इसका सामना करना कितना मुश्किल होता है। आपने देश के लिए बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, देश को उम्मीद है कि आप इस बार ओलंपिक पोडियम पर जरूर अपनी जगह बनाएंगे। आप निर्भीक होकर खेलों में भाग लीजिए, पूरा भारत अपने ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ है। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं और आपके माता पिता को विशेष प्रणाम। आइए अब हम आशीष कुमार जी, आशीष जी नमस्कार। आपके पिता राष्ट्रीय स्तर के कबड्डी खिलाड़ी थे और आपके परिवार में कई खिलाड़ी रहे हैं, आपने बॉक्सिंग क्यों चुनी? सर, बॉक्सिंग जब मैं छोटा था तो सर हमारे घर पे माहौल खेल का था, तो मेरे फादर बहुत अच्छे प्लेयर रहे अपने टाइम में, तो वो चाहते थे मेरा बेटा बॉक्सिंग खेले। तो मेरे पास कबड्डी की कोर्स नहीं किया गया, लेकिन मेरे परिवार में मेरे भाई खेलते थे और बॉक्सिंग खेलते थे, तो और काफी अच्छे लेवल तक खेले, तो मुझे भी दोनों में से किसी को करने के लिए कहा गया। मैं पतला था और ज्यादा गठीला नहीं था, तो उस वजह से मैंने सोचा कि रेसलिंग तो नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मेरे शायद बॉक्सिंग ही करनी चाहिए। तो वैसे सर जब झुकाव हुआ बॉक्सिंग था इसी तरीके। एके पांडे, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी। ये हम सारे देशवासी और हमारे जो खिलाड़ी ओलंपिक में जा रहे हैं, हम लोगों का परम सौभाग्य है
कि हमको एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो खिलाड़ियों के लिए हर समय उपस्थित रहते हैं, और ये संभवतः पहली बार है इतिहास में कि प्रधानमंत्री जी भाग लेने वाले खिलाड़ियों को, ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सीधे संबोधित कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनको बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, और पूरा देश आज उनको इस बात के लिए सुन रहा है कि वो हम खिलाड़ियों को किस प्रकार से संदेश देते हैं। संबोधन से स्थानीय खिलाड़ियों पर क्या असर है? संबोधन से स्थानीय खिलाड़ियों को निश्चित रूप से लाभ होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी द्वारा उनको बताया जाएगा कि क्या क्या करना चाहिए। हमारे खिलाड़ी देश के दूत होते हैं, राजदूत होते हैं, तो बाहर जा करके उनको किस प्रकार का व्यवहार करना है, ये सब सारी चीज़ें खिलाड़ी स्थानीय स्तर पर भी सीखते हैं, क्योंकि यही खिलाड़ी भविष्य में आगे जा करके ओलंपिक में, एशियाई खेलों में भाग लेंगे, पौध यही है। तो इनको इन चीज़ों का ज्ञान होता है कि आप देश के दूत हैं, आप जिले के दूत हैं, आप प्रदेश के दूत हैं, आप अपने प्रदेशीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे तो आपको अपने ज़िले का, अपने मंडल का नाम रोशन करना है, ऐसा व्यवहार करना है कि किसी को आपके प्रति कोई कड़वाहट ना हो। ये सब चीज़ें खिलाड़ी सीखेगा माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन से।